जय श्री माता। महाकाल बाबा की दूसरी सवारी में मेरे द्वारा कुछ गलती हो गई हो, छोटी सी बच्ची के चोटी पकड़ने का जो वीडियो वायरल हो रहा है, मुझसे कुछ गलती हो, मेरी बच्ची के समान है, मेरी पोती के समान है, मेरी नाती के समान है, मुझसे कुछ गलती हो तो मेरी कोई ऐसी धारणा नहीं थी कि मैं किसी को धक्का दूँ या कुछ करूँ। मेरे खुद के पैरों में मतलब है नहीं कि चोट आती है, वो भी मेरे को बाबा का प्रसाद मान के मैं उसको सहन कर लेता हूँ। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं रहती है, मैं सालों से बाबा महाकाल की सवारी में सेवा दे रहा हूँ। मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करें, मैं आपके क्षमा चाहती हूँ। मैं मुकेश कुमार मकवाना, व्यामथाला गली में दुकान है, मुझसे गलती हो तो मुझे क्षमा चाहता हूँ। एमपी क्या पूरा पूरी दुनिया के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जी सर, पहले पालकी में को लेकर घर के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, उसमें मुकेश नाम मकवान नाम के व्यक्ति थे, उस पर कुछ कार्रवाई की गई है थाने द्वारा? ये पालकी यात्रा के दौरान जो है विश्वकर्मा धर्मशाला के सामने की बात है, वहाँ पर ये मकवाना जी के द्वारा एक बच्ची के साथ अभद्रता की गई और उसके चोटी पकड़ कर उसको खींचा गया, जिसपे सोशल नेटवर्क साइट पे ये वीडियो वायरल हुआ। जैसे ही हमको जानकारी मिली, हमने वरिष्ठ अधिकारी को बताया और उनको तत्काल बुलवा करके जो है उनसे चर्चा की और उनके विरुद्ध 107-16 की कार्रवाई की और उनको समझाइश दी है कि भविष्य में वो इस तरीके की गलती ना करें। इस प्रकार की घटना देखने को मिलती है, आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई होती रहेगी? हमेशा होगी, और आदमी को ये समझना चाहिए कि ये जो पालकी यात्रा है पूरे विश्व में देखी जाती है। हर उस नागरिक से मेरी अपील है कि उसको बड़ी श्रद्धा के साथ और बहुत ही निष्ठा के साथ उसको पालन कराएं और उसको आगे बढ़ाएं। सभी लोगों के सहयोग से ही ये पालकी यात्रा निकलती है, जिसे स्वयं बाबा देखते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि लोग बाग इससे अपने सीख लेंगे और भविष्य में अच्छा आचरण करेंगे।